मल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर आए दिन जाम की समस्या देखने को मिलती थी। वही नगर निगम की मदद से रेहड़ी पटरी को हटाने के साथ ही दुकानों के सामने से लोगों के लिए फुटपाथ बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बस अड्डा चौकी इंचार्ज भी लगातार बस स्टैंड पर गश्त करते रहते हैं ताकि ऑटो चालक और रेहड़ी वालों की वजह से जाम ना लगे। बस स्टैंड चौकी इंचार्ज के माने तो वे लगातार लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे कि जिन दुकानों को वो रोड पर लगाते हैं उन दुकानों की वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है। जल्दी लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी। जो फुटपाथ बनाया है गवर्नमेंट ने, अभी 2 फुट के करीब वो पक्का होने के बाद में सारे दुकानदारों ने अपनी रेहड़ियाँ फुटपाथ पे लगा ली है। आज हमने उन सभी दुकानदारों से साथ मीटिंग करी है और दुकानदारों को फुटपाथ खाली करवाया है और लोगों के लिए पगडंडी चलने के लिए होती है उनको भी सबको खाली करवाया है और लोगों उनको हिदायत दी है कि भैया आप अपनी पटरी को खाली रखें और रेहड़ी वगैरह को रोड पर ना रखने दें।